दो वो लड़की कहाँ है? भैया आप उसे माफ। गलती उसके बाप ने की है, उस लड़की ने नहीं। कैसे हो? क्या हुआ सिद्धू, तुम आए क्यों नहीं? मेरे डैड ने तुम्हें कुछ कर दिया होगा ये सोचकर मैं डर गई और मैंने दूर पेट दुर्गा को फोन कर दिया, लेकिन मेरे डैड को ही मारोगे इतने कमीने हो ये नहीं सोचा था। इसे मारकर तुम अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती हो, तुम गलत नहीं हो। वजह जायज है, लेकिन तुमसे इतना प्यार करने वाले ने तुम्हारे पिता को मारा, इसकी भी एक वजह है और वो भी जायज वजह। इसे सुन लो, उसे जानने के बाद भी अगर तुम इसे मारना चाहती हो तो इसके साथ साथ मुझे भी मार देना। एक हरे भरे गांव को तुम्हारे पिता ने धोखा दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा। किसी भी गांव में कोई तकलीफ आती थी तो हमें उनकी उस तकलीफ का एहसास होता था और हम उनकी मदद में जुट जाते थे, ये सोचकर कि कल को हमारे साथ भी ऐसा ना हो। हमारे गांव में लहराते खेत थे, फलों से लदे खलिहान थे। गांव में ना कोई भूखा रहता, ना ही कोई बीमारी थी। सारा गांव मेरे पिता से आशीर्वाद लेता और वो भी सभी से बेहद प्यार करते थे और उन्हें अपने आप से ज्यादा इस गांव की मिट्टी से प्यार था। ऐसे थे मेरे पिता। सुंदर सा सजीला अपना गांव, खेतों में हरियाली है, खुशियाँ की छांव, नदियाँ हैं लहराती, बल खाती है यहाँ, खेतों को सहलाती, देखो ना ये हवा, हर दिल में डेरा बसेरा प्यार का है, जीवन ये प्यारा निराला सा यहाँ है। सुंदर सा सजीला अपना गांव, खेतों में हरियाली है, खुशियाली की छांव, नदियां हैं लहराती, बल खाती है यहाँ, खेतों को सहलाती, देखो ना ये हवा।
प्लांट की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक और ब्लोआउट। ये ब्लोआउट भद्राद्री गांव में हुआ है। इसका कारण तकनीकी नहीं बल्कि जमीन के अंदर की गर्मी के कारण हुआ है, ऐसा कंपनी कह रही है। इस आग को रोकने के लिए देश विदेश से 10 टीम बुलाई गई है, लेकिन ये आग कब बुझेगी कुछ भद्राद्री में कब अंधेरा होगा, लोग कब सोएंगे, वो वक्त आने पर आप सबको पता चल जाएगा। जन हानि ही नहीं बल्कि संपत्ति का भी विनाश हुआ है और लोग बेसहारा हुए हैं। जान की आफत तो टल गई, लेकिन धरती भी बंजर हो गई। इसके लिए हम किस पर उंगली उठा सकते हैं? सरकार पर, यजमान पर, या फिर प्रकृति पर, या इस भद्राद्री को बचाने वाले नागदेव पर?